बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये चना की सब्जी। चना में ये मैं 250 ग्राम चना ली हूँ। उसमें 2 मीडियम साइज पोटैटो आलू है और 2 मीडियम साइज ही अनियन है प्याज। और इसके लिए मसाला है 1 टीस्पून चिली पाउडर, स्वाद अनुसार स्वाद के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और ये कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून पेपर पाउडर और जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर है। इसमें थोड़ा सा मेथी भी चाहिए। फ्रेंड्स, हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें 1 अनियन है मीडियम साइज और 2 लहसुन है गार्लिक और 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड। फ्रेंड्स, अब हम इस तीनों चीज़ का पेस्ट बना लिए हैं। इसमें गार्लिक और अनियन और मस्टर्ड सीड। फ्रेंड्स, हम अपना कढ़ाई में ऑयल ले चुकी हूँ और गैस ऑन कर दी हूँ। इसमें फर्स्ट हमको ऑयल गर्म होने पर मेथी चाहिए। अब इसमें हम मेथी ऐड कर रहे हैं। मेथी थोड़ा होने पर हम इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। इसमें आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हमें गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा कम ही करना है। हमें इतना ही अनियन फ्राई करना है। इसके बाद हमें वो मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देना है। एक मिनट तक चलाने के बाद इसमें हमें वाटर ऐड करना है, पानी। उसके बाद मीडियम फ्लेम करके हमें एक एक करके सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। आप अपना स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कीजिए। घर में कुछ ना रहे तो ये जरूर आप ट्राई करें। बहुत अच्छा सब्जी है चना की सब्जी। मीडियम फ्लेम में हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है। मैं इसे हाई फ्लेम कर दे रही हूँ, फुल फ्लेम। इसके बाद इसमें चना और आलू पोटैटो इसमें ऐड कर रही हूँ।
इससे हमें फ्रेंड्स 2 मिनट तक भूनना है। अब हम मीडियम फ्लेम कर चुके हूँ और 2 मिनट इसे भून ली है। अब इसमें हम 300 ml वाटर ऐड करेंगे, पानी। इसे हम ढककर 10 मिनट्स तक पकाना है, जब तक हमारा आलू और चना गले नहीं। फ्रेंड्स, आप इसको एक बार चलाकर चेक कर लीजिएगा नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और पानी वाटर जैसा आपको चाहिए क्वांटिटी वैसा रखिए। फ्रेंड्स, हमारा ये चना की सब्जी बन चुका है, पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में हमारा, और इसमें आलू चना सभी गल चुका है। देखिए पूरा गल चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कैसा बना आपका सब्जी। इसे आप राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छा लगता है इसे भी खाने में। ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आयत जायका किचन को अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।